हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ के आई रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एच टू एस ओ फोर इन के आई ओ. थ्री सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. सिक्स एच प्लस रिएक्ट्स विद फाइव आई माइनस एंड आई ओ. थ्री माइनस गिव्स अस थ्री आई टू प्लस थ्री मोल्स ऑफ वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन ए है हमारे पास 200 ml ऑफ के आई सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.1 मोल ऑफ के आई ओ थ्री. बी है हमारे पास 100 ml ऑफ के आई सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.060 मोल ऑफ एच टू एस ओ फोर. ऑप्शन सी है 0.5 लीटर ऑफ के आई सॉल्यूशन प्रोड्यूस 0.15 मोल ऑफ आई टू. ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू number of moles of solute, number of moles of solute by volume of solution. अगर हमें ऐसे देखना हो number of moles क्या हो जाएगा, number of moles हमारे पास हो जाएगा molarity into volume of solution. ठीक. अगर हम लोग बात कर रहे हैं अब ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया कि 200 ml of KI solution react कर रहा है 0.1 मोल ऑफ के आई ओ थ्री के साथ. ये हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है या गलत. राइट. तो देखो हमारे पास है 200 ml ऑफ के आई. राइट. तो हम लोग लिख ले मोलारिटी उसकी कितनी है 0.50 मोल यानी मोल पर लीटर. इसको मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वो है 200 ml. ml को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में. राइट. तो हो जाएगा 200 × 10⁻³ लीटर्स. देखो ये कैसे आया कि हमारे पास एक लीटर में 1000 ml होते हैं और एक ml में क्या हो जाएगा, एक ml में हमारे पास हो जाएगा 10⁻³ लीटर्स. अगर हमारे पास 200 ml है तो हमारे पास 200 × 10⁻³ लीटर्स हो गया. राइट. ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे के आई के 0.01 मोल्स ऑफ के आई. ठीक. रिएक्ट कर रहा है हमारे पास 0.1 मोल ऑफ के आई ओ थ्री के साथ. राइट. तो देखो अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास 5 मोल जो आई माइनस है वो रिएक्ट करता है 1 मोल आई ओ थ्री माइनस. बेसिकली हमारे पास 5 मोल्स आई माइनस से रिएक्शन कौन दे रहा था, रिएक्शन दे रहा था 1 मोल आई ओ थ्री माइनस. राइट. अगर हमारे पास 0.01 मोल्स ऑफ के आई होगा तो क्या होगा, के आई होगा तो हमारे पास 1/5 × 0.01 मोल्स ऑफ आई ओ थ्री माइनस की जरूरत होगी. राइट. बट हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.01 मोल, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट में बोला है हमसे बी में कि 100 ml के आई सॉल्यूशन है और हमारे पास है 0.060 मोल एच टू एस ओ फोर. ठीक. अगर हम बात करते हैं इसमें तो हमारे पास के आई के जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 100 × 10⁻³ लीटर्स इंटू मोलारिटी. मोलारिटी कितनी थी, कितना आ जाएगा ये 0.5. राइट. कितने मोल्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएंगे 0.05 मोल्स. और हमारे पास H2SO4 कितना दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ 0.060 मोलर. राइट. अब अगर हम लोग अपनी इक्वेशन देखें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि 6 मोल्स H प्लस रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल्स ऑफ I माइनस से. राइट. तो हमारे पास अगर 0.05 मोल्स ऑफ के आई है. राइट. तो क्या होगा, देखो 6 मोल H प्लस रिएक्ट कर रहे हैं किससे, रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल्स ऑफ आई माइनस से. राइट. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.05 मोल्स ऑफ ए आई
0.05 moles of I minus है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा क्या हमारे पास हो जाएगा 6/5 इनटू 0.05 मोल्स ऑफ H प्लस, यानी बेसिकली कितने H प्लस 0.06 मोल्स ऑफ H प्लस, राइट। अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.03 मोल्स ऑफ H2SO4, यानी तो ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है 0.5 लीटर्स ऑफ KI सॉल्यूशन, राइट। यानी अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो हम लोग बेसिकली 0.5 मोल पर लीटर इनटू 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.25 मोल्स, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं, हमें दिया हुआ है 0.15 मोल्स ऑफ I2 हमारे पास बनेगा किससे, 0.25 मोल्स ऑफ क्या है इसे। अगर हम लोग देखें अपने रिएक्शन को, तो हमारे पास 5 मोल I माइनस से बना है, 3 मोल्स I2। उसके हिसाब से अगर हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ I माइनस है, तो हमें कितने मोल्स ऑफ I2 मिलेंगे, 3/5 इंटू 0.25, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 0.15 मोल आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैच कर रहा है इससे जो हमें दिया हो गया है, राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।